आप सभी का आज के इस टॉपिक में स्वागत है। और आज पढ़ेंगे कंजक्शन, और अब हम पढ़ेंगे कंजक्शन के बारे में। हमारा पहला कंजक्शन है बोथ एंड, जिसका अर्थ होता है दोनों और, या आप कह सकते हैं और भी। इन दोनों तरह से आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। देखते हैं पहला एग्जाम्पल। हमारा पहला एग्जाम्पल है शिवानी इज बोथ टॉल एंड ब्यूटीफुल। इसका अर्थ रहेगा शिवानी लंबी है और सुंदर भी, या आप कह सकते हैं कि शिवानी दोनों है, लंबी और सुंदर। दूसरा एग्जाम्पल, बोथ शिवानी एंड पूनम आर फूल। शिवानी और पूनम दोनों मूर्ख हैं। इन दोनों एग्जाम्पलों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले एग्जाम्पल में एक व्यक्ति है और उसकी दो क्वालिटी है, शिवानी लंबी और सुंदर भी है। दूसरा जो व्यक्ति है, इसमें दो व्यक्ति अलग अलग हैं, शिवानी और पूनम। तो शिवानी और पूनम दोनों मूर्ख हैं, हम इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम देखेंगे एंड का यूज। एंड कंजक्शन इसका अर्थ होता है और ये दो सेंटेंसेस जोड़ने के काम आता है। जैसे नीरज एंड शिवानी आर गुड गर्ल, इसका अर्थ हुआ कि नीरज और शिवानी अच्छी लड़की हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मैन रूल द वर्ल्ड एंड विमेन रूल द मैन। इसका अर्थ होता है आदमी दुनिया पर राज करते हैं और औरतें आदमियों पर राज करती हैं। इस तरह से आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। तीसरा कंजक्शन देखेंगे एज वेल एज, जिसका अर्थ होता है साथ ही साथ। देखते हैं इसका सेंटेंस। राहुल एज वेल एज तरुण वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी। इसका अर्थ होता है राहुल साथ ही साथ तरुण पार्टी में उपस्थित थे। यहां पर दो अलग अलग व्यक्ति हैं। अगला एग्जाम्पल, यू आर डीप एज वेल एज ब्लाइंड, तुम बहरे हो और साथ ही अंधे भी हो। तो दूसरे एग्जाम्पल में व्यक्ति एक है और उसकी क्वालिटी दो है। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला कंजक्शन। हमारा नया कंजक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका हिंदी में अर्थ होता है ना कि बल्कि भी। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल कि ना कि बल्कि भी का प्रयोग हम किस तरह से करेंगे। यू आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो मैड। इसका अर्थ क्या होता है, तुम सुंदर ही नहीं पागल भी हो। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर एक व्यक्ति की दो तारीफ हो रही है, एक व्यक्ति सुंदर भी है और पागल भी। दूसरा एग्जाम्पल, ही इज नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ फार्मर। वह एक टीचर ही नहीं बल्कि किसान भी है। तीसरा एग्जाम्पल, शिवानी कैन नॉट ओनली स्पीक इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी। इसका मतलब होता है शिवानी अंग्रेजी ही नहीं बल्कि हिंदी भी बोल सकती है। देखते हैं अगला एग्जाम्पल, नॉट ओनली टीचर्स बट ऑल्सो स्टूडेंट्स हैव कम हियर। इसका अर्थ क्या होगा, टीचर ही नहीं बल्कि छात्र भी यहां आए हैं। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा ऊपर वाले तीनों एग्जाम्पल में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, उसकी क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, उसकी क्वालिटी दो है। जबकि नीचे वाले सेंटेंस में टीचर ही नहीं बल्कि छात्र भी आए हैं, इसमें दो सब्जेक्ट अलग अलग हैं, टीचर और छात्र। इसलिए यहाँ पर नॉट ओनली स्टार्टिंग में लगाया। जब एक व्यक्ति की दो क्वालिटी होती है तो नॉट ओनली बीच में आता है। ये आपको याद रखने की जरूरत है कि जब एक व्यक्ति की दो क्वालिटी होती है तो नॉट ओनली बट ऑल्सो बीच में आएगा, और जब दो सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो नॉट ओनली पहले आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नया कंजक्शन। हमारा नया कंजक्शन है नो लेस देन। नो लेस देन का मतलब होता है अपेक्षाकृत कम नहीं। जैसे ही इज देन हिज फादर इज गुड। इसका मतलब रहेगा वह अपने पिताजी से कम अच्छा नहीं है। मतलब इसका ये हो गया कि पिताजी भी अच्छे हैं और वह भी अच्छा है। दूसरा एग्जाम्पल, शिवानी इज नॉट लेस देन फेरी इज ब्यूटीफुल। इसका अर्थ होगा शिवानी परी से कम सुंदर नहीं है। इसका अर्थ होगा शिवानी परी से कम सुंदर नहीं है। इसका मतलब होता है कि
परी तो सुंदर होती है लेकिन जो शिवानी है वो परी से कम सुंदर नहीं है, मतलब का मतलब होता है परी तो सुंदर होती है लेकिन जो शिवानी है वो परी के जैसी सुंदर है, मतलब शिवानी परी से कम सुंदर नहीं है, इसका अर्थ ये होता है। मतलब ये हो गया कि शिवानी भी सुंदर है।